ये देखिए, ये पीछे फिल्म वहाँ लगाने से ये चाहे कंपनी फिटेड हो चाहे ये हो, ये यहाँ से लीक करता है गैस। अच्छा ठीक है, और इस चीज़ को इसीलिए हम मना करते हैं, फीडबैक देते हैं, ये हो सके तो आप पीछे का वाल ना लगाएं, क्योंकि पीछे का वाल जो है अक्सर ये मज़ा नहीं आता। जैसे भैया आप क्या कह रहे हैं, महीना भर नहीं हुआ, महीना भर नहीं हुआ, ये देखिए महीना भर नहीं हुआ। एक हमारे बहुत प्रिय मित्र थे, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए, और वो आए थे, कहाँ से आए थे, ये गोरखपुर से पहले कौन जगह पड़ती है, कौन जगह पड़ती है, रानी भैया, अरे महाराजगंज से आए थे यार, वो महाराजगंज से आए थे, वो आए थे जब काफी नाराज हुए, काफी गुस्साए, मतलब ले सके, मतलब यार मैं घर में नहीं बनाता हूँ, बनारस जाए मैं घर में नहीं बनाता हूँ, पहुँचा देंगे ठीक है, निकल जाए। सबसे बड़ी बात क्या है, गैस बंद करो, गैस बंद करो, क्या मतलब गैस बंद है, पीछे पाइप में तो निकलेगी, बंद है तब भी और बंद करो, ठीक है, पाइप में जितनी है वो तो निकलेगी ना, ये सारी चीजें होती है आप देख लियो ना, मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा ये क्या है ना, भौकाल है, क्या भौकाल लगाएंगे, भौकाल के अलावा कुछ नहीं है, तो हो सके आप पीछे ना लगा करके आगे लगाए, आगे वाला सुरक्षित है, सेफ है, और हर तरह से मस्त है, जबरदस्त है। इसको चलिए आप दिखाते हैं, इसको बनाने का फिलहाल तरीका, ये रिपेयर कर देते हैं अभी, मैं पूरा पूरा रिपेयरिंग दिखाता हूँ कैसे रिपेयरिंग होता है, थोड़ा समय देना बस, 14 मिनट खुद नीचे से बंद होगा, खुल चुका है, खुल चुका है, छेद करके लगा है, लौटी बत्ती जलाए, उधर से रुको, घूम रहा है, 20x20 रोकना, उधर मुंह पे लगेगा 20x, नीचे लगेगा 24x, जड़ पे लगा दिए, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलिंग वाल खोल रहे हैं ना जी, पीछे के फिलिंग वाल जो लीक हो गया, जो लीक हो गया है, निकालो निकालो घुमा के, ये हमने ऐसे रखा है, ये बीच से खोल दिया, देखने में तो लगता है कि नहीं खुलेगा यहाँ, लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहीं खुलेगा, यहीं है वो बुलबुल जिससे टाका भिड़ा है, और इस पे देखिए ये ओरिंग जो है भाग गया है, कौन सा ओरिंग भाग गया है, यहाँ का ओरिंग निकल के यहाँ, ओरिंग का डब्बा लाओ, यहाँ पे जो ओरिंग होता है वो निकल के यहाँ पे आ गया है, इतना जब पीछे चला गया, हाँ जब CNG का प्रेशर पड़ा है इस पे, तो ये प्रेशर जो है यहाँ लेकर के आ गया है, पलट गया, ये खराबी होता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं खराब होता है, बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा मामला, इसको हम चाहें तो यहाँ पे रख करके
और अगर लगा देंगे तो ये सक्सेस हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से घर तक की गारंटी नहीं मिल पाएगी। इससे अच्छा है कि इसको हम चेंज कर दें। बोरिंग का डब्बा लौंडा लेकर के आए तो देख सकते हैं, ये मेरा जादू का पिटारा है। इस पिटारे में हमको देखना है कि इस साइज़ का बोरिंग कौन सा है। तो इस साइज़ का बोरिंग तो हमें दिख नहीं रहा, अगर आपको दिखता तो भाई आप बताओ। नहीं दिख रहा आपको भी? एक बोरिंग देखो नीचे गिर गया है। अरे फोकट मिल जाए क्या हम लोग यार, ये मोटा है ये पतला है, मज़ा नहीं आएगा। और इतना मोटा बोरिंग ये मिल गया, ये इतना मोटे बोरिंग अभी नहीं है। अबे हम लोग वहाँ ऑफिस में चले क्या, भेजने से कोई फ़ायदा है? चलिए हाँ यार हटाओ। हमें चाहिए इतना मोटा बोरिंग तो मिल नहीं रहा। ब्रजेश भैया की जय हो। वो निकाले जादू का एक और पिटारा है। हाँ हाँ वाला पिटारा निकालो। हाँ परेशान ना होइए, जादू का मेरे पास एक और पिटारा है, वो निकालो। हाँ हाँ तुम याद आ गया। हाँ ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि होता क्या है कि रास्ते में अगर आप फंस गए हो तो कोई भी उपाय काम नहीं चलता है और कोई भी बुद्धि काम नहीं करती है, और मिस्त्री जितने मिलते हैं वो समझदार नहीं होते हैं। तो हो सकता है जो थोड़ा समझदार होगा, थोड़ा भी, तो वो हमारे इस वीडियो को देख करके बेचारा कम से कम इतना तो समझ जाएगा कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। और इसके साथ हमारे जादू का बेचारा दूसरा आ गया, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ये हमारे सोनू भैया की मेहरबानी से है, तो इसमें हमको इस तरह के ओरिंग कुछ है। हाँ है, तो ये पैकेट हमने खोल दिया और इसमें से हमने उस टाइप का ओरिंग निकाल लिया। उसी साइज का है, उसी साइज का नहीं बल्कि ये उसी वही है, ये देखो आप, लेकिन ढीला है। इसमें कहाँ है, खोलो वही बीच से। तो लास्ट में जो है ये ओरिंग हमको, अब इस ओरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये फैल करके मतलब बड़ा हो गया है, और ये लगा करके मैं देखता हूँ इसकी क्या स्थिति है। ये हमने लगाया और ये इस पर चढ़ गया, देखने में तो खूब सकल सूरत से एकदम लॉलीपॉप हो गया है। अब इस लॉलीपॉप को जो है हम इस फुलतुड़ी के अंदर रखते हैं जैसे होना चाहिए। आप देख रहे हो खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, और ये हम रख दिया। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि रास्ते में आप फंस जाते हो तो बुद्धि नहीं काम करती है, और मिस्त्री भी आप जानते हो कितने समझदार हैं। ये कुछ नहीं करना, ये बीच से खुल जाता है, इधर 22 नंबर इंच लगेगा, इधर 27 नंबर इंच लगेगा, और ऐसे लग के आप टाइट कर लो। क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास बाहर से ही फंसी हुई है, मेरे यहाँ की गाड़ी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसको चेक करता हूँ। कैसे चेक करना है अभी देख लो आप, एकदम बेहतरीन तरीके से वैक्यूम करना है यहाँ पे, ऐसे लगाया और चूस लो चूसने की तरह। जुबान चिपक गया तो समझो कि हो गया काम, या फिर इधर ज़्यादा चिपकेगा, इधर नहीं चिपक रहा, इसका गैस पास कर रहा है। काम कर रहा है ठीक है, ऐसा आप वैक्यूम करके चेक कर लो इसको। मिस्त्री को सब कुछ करना पड़ता है, इसके लिए परेशान ना होना और टेंशन मत लेना। अब मैं लगा के दिखाता हूँ कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तैयार होगा हमारा, बंद है ना, दिखाओ सिलेंडर वाल पे, दिखाओ यार, चल गया, चल रहा, ये इधर की तरफ खुल जाएगा ठीक है। ये खुल गया और ये इधर की तरफ बंद हो जाएगा, दाहिने बंद हो जाएगा, और बाएं खोल दिया हमने, और ये लिखे जहाँ सही है यहाँ लिखे, देखो चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, लिखे चेक, एक बार भैया देख लीजिए यार, अंदर से लीकेज है ना, वहाँ थोड़ी लीकेज है, पाइप से कि अंदर से है यार, पाइप से नहीं, यहाँ से है ना, यहाँ पर, हाँ यहाँ से है। बारिश भीगो नहीं आती है, ब्रिज भी खराब, डिग्गी में आओ भैया, आप लोग नीचे चले जाइए, आप लोग सब लोग नीचे चले जाइए, गाड़ी में बैठना, गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी बैठना, गाड़ी में बैठ जाओ आप लोग, तुम इधर आओ, नीचे जमीन को कुछ मारा उसको उठा के पड़ा, तो भीगना भाग रहा है इसमें भी, तीनों में क्योंकि पानी भर जाएगा अंदर, ठीक है। अब आप कितना देखते हो यार, अच्छा वीडियो बनाने लगे थे क्या फिर? हाँ
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीकेज फिलहाल सही हो गया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।